दोस्तों, किसी भी देश का प्रेसिडेंट उस देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। उसी व्यक्ति के हाथों में उस देश की पूरी कमान होती है। भारत जैसे देश में जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अधिक पावरफुल होते हैं, वहीं अमेरिका जैसे देश में सारी ताकत वहां के राष्ट्रपति के हाथों में होती है। सभी देश अपने अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा अपने अपने तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी, प्रेसिडेंट ट्रंप और किम जोंग उन की सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, तो उनकी सुरक्षा करना तो लाजमी है। डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी ऐसी है कि उनके आसपास एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है सीक्रेट एजेंसी CIA और अमेरिकी फौज की। कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहता है और व्हाइट हाउस को दुनिया का सबसे सुरक्षित घर भी माना जाता है। व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में 1300 सीक्रेट सर्विस के एजेंट तैनात रहते हैं। व्हाइट हाउस के ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं ले जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अमेरिकी वायुसेना मार गिराती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जब भी व्हाइट हाउस से निकलकर अपने एयरफोर्स वन में सवार होते हैं, तब उनका ये विमान मिनी व्हाइट हाउस में बदल जाता है। उनका ये प्लेन दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेन है। जब ये प्लेन हवा में उड़ता है, तब उसका रास्ता खाली कराने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन इस जहाज के आगे आगे उड़ान भरते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर जगह अपनी बीस्ट कार में ही सफर करते हैं। इस कार की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल की बनी होती है। इस कार का फ्लोर इतना मजबूत होता है कि इसके नीचे एक बॉम्ब भी फटे तब भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और उनकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए रोजाना 6 करोड़ से भी अधिक पैसे का खर्च आता है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं और उनकी सिक्योरिटी की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। इनके सैनिक इनकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब किम जोंग उन साउथ कोरिया गए थे, तब वो एक आर्म्ड मर्सिडीज में थे। उनकी मर्सिडीज के बाहर 12 बॉडीगार्ड उनकी कार के अगल बगल घूम रहे थे। किम जोंग उन की इतनी सिक्योरिटी का एक कारण ये भी है कि उन्हें मारने की कोशिश कई बार हो चुकी है। किम की सुरक्षा में उनके 15,000 पर्सनल बॉडीगार्ड 3 रात लगे रहते हैं। किम जोंग उनको 3 लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। उनकी सिक्योरिटी में जितने भी गार्ड्स होते हैं, उन सबकी लंबाई किम जोंग उनके बराबर की होती है। ये गार्ड्स निशानेबाजी, मार्शल आर्ट्स और हर तरह की बंदूक चलाने में एक्सपर्ट होते हैं। नरेंद्र मोदी। जिस देश की जनसंख्या 1.3 बिलियन हो और जिस देश के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी हो, उस देश के प्रधान की सुरक्षा का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है SPG कमांडो की, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की। प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी में 1000 से भी अधिक कमांडो अलग अलग घेरों में तैयार रहते हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन को मार गिराने की क्षमता रखते हैं। उनके सभी कमांडो जरूरत पड़ने पर दोनों हाथों से भी बंदूक चला सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी BMW 7 कार में सफर करते हैं। ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है, जो पंचर होने के बाद भी 90 किलोमीटर तक जा सकती है। मोदी की सिक्योरिटी में तैनात SPG कमांडो के पास एक खास तरह की राइफल होती है, जो 1 मिनट में 800 राउंड फायर कर सकती है। जब प्रधानमंत्री कहीं बाहर जाते हैं, तो उनके लिए एयर इंडिया के 2 विमान तैयार रखे जाते हैं और उनके लिए सभी रास्ते खाली करा दिए जाते हैं। इन SPG कमांडो के पास एक खास तरह का ब्रीफकेस होता है, जो जरूरत पड़ने पर बुलेट प्रूफ शील्ड में बदल जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा